आज हम अपने एवरग्रीन रसोई में बहुत ही अच्छे हेल्दी सैंडविच बना रहे हैं। इतने टेस्टी होंगे ना, बस इतने अच्छे लगेंगे, आप बार बार बनाएंगे इसे। और मैं आपको बता देती हूँ, इतने क्रिस्पी और इतने बढ़िया हैं, देखिए ना फ्रेंड्स। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, इसकी स्टफिंग भी देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से हमने स्टफिंग की हुई है। अब झटपट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिए। रेसिपी और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए झटपट से इतने टेस्टी टेस्टी सैंडविच बनाते हैं। सबसे पहले हम सैंडविच की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने आधा कप स्वीट कॉर्न लिए हैं और इसको अच्छे से वॉश कर मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ और थोड़ा पानी डालकर इसको बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। जब तक ये बॉईल होंगे तब तक मैं वेजिटेबल चॉप कर लेती हूँ। दो टमाटर, एक शिमला मिर्च, थोड़ा सा अदरक और दो हरी मिर्च। और ये देखिए हमारे तो स्वीट कॉर्न रेडी भी हो गए, बॉईल भी हो गए। बिल्कुल एक ही बॉईल लेना है फ्रेंड, ज़्यादा लेते हैं ना तो दब जाते हैं। और मैंने सब्जियों को चॉप कर लिया है। एक कढ़ाई में ऑयल ले रही हूँ, उसमें मैंने जीरा, अजवाइन और बिल्कुल कूट के मैंने अदरक डाला है फ्रेंड्स। अब चॉप करके हरी मिर्च भी डाल देती हूँ। अदरक हरी मिर्च को थोड़ा सा भूनने के बाद टमाटर डाल रही हूँ फ्रेंड्स। इसको उसे प्रेस करते हुए हमने भूनना है। हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर और सौंफ पाउडर डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर देती हूँ। और साथ ही शिमला मिर्च भी डाल देती हूँ। टमाटर और शिमला मिर्च अपने आप से साथ साथ पक जाएंगे। और साथ में नमक डालना है और थोड़ी सी मलाई डाल रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आपके पास मलाई ना हो तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं आप। थोड़े से पनीर को क्यूब्स में कट करके डाल रही हूँ। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और हेल्दी भी होते हैं। बाकी मैं बॉयल स्वीट कॉर्न डालकर इसको अच्छे से मिक्स करके, और ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है फ्रेंड्स। थोड़ा सा हरा धनिया, मैंने थोड़ी हेल्दी ब्रेड ली है, आटा ब्रेड है और बिल्कुल मैदा नहीं है। इसकी चार स्लाइस का मैं सैंडविच बना के आपको दिखाती हूँ। पहले तो इसके स्लाइड सारे कट कर लेती हूँ। इस तरह से चार के स्लाइड मैंने कट कर ली हैं और ये हमारा स्टफिंग है। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और डाल रही हूँ ना तो अच्छा टेस्ट और आ जाएगा। और अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। थोड़ी सी मलाई को अच्छा सा मैश कर ले रही हूँ। आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम ले सकते हैं। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, पूरे को अच्छी तरह से स्प्रेड कर देती हूँ। हर एक स्लाइस पे, हर एक ब्रेड के साइड पे मैंने इसको स्प्रेड करना है। देखिए इस तरह से करना है, बिल्कुल पतली लेयर लगानी है। अब हम अपना स्टफिंग लगा देते हैं इसके अंदर और ऊपर से दूसरी ब्रेड से इसको ढक देते हैं, है ना। इसी तरह से दूसरा सैंडविच भी मैं रेडी कर लेती हूँ। और ये हमारा दूसरा सैंडविच भी रेडी हो गया है। सैंडविच को अच्छे से सेट करके फ्रेंड्स मैं इसको ग्रिल करूँगी। अगर आपके पास ग्रिल नहीं करना चाहते तो आप तवे पे कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ग्रिल किया है। अब मैं साइड चेंज कर देती हूँ तो अलग ही डिज़ाइन आ जाएगी। अब मैं इसको बंद करके, देखिए आप देख सकेंगे है ना कितनी बढ़िया डिज़ाइन आई है फ्रेंड्स। ये हमारे सैंडविच रेडी हो गए हैं, है ना कितनी क्रिस्पी है। आप इसको मनचाहे इस शेप में हम कट कर सकते हैं। मैं इतने चौकोर छोटे छोटे कर रही हूँ फ्रेंड्स, इतने अच्छे लगते हैं ना, एक बार हाथ में लेकर आराम से खाया जा सकता है। आप इसको लंच बॉक्स में, बच्चों के लंच बॉक्स में रख सकते हैं या कहीं भी बाहर भी लेके जा सकते हैं ना। इतने अच्छे लगते हैं ना, टेस्टी है, कितना बिल्कुल स्टफिंग से फीलिंग कितनी बढ़िया है हमारी। फीलिंग तो आप एक रात पहले भी आप इसको रेडी कर सकते हैं और फिर आराम से सुबह सुबह इतने बढ़िया टेस्टी सैंडविच बनाइए। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड। ओके फ्रेंड्स, बाय।